देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि माननीय ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल एलजी साहब और ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी जैन के, इनका टाइमली इंटरवेंशन रहा है रिगार्डिंग दिस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव. सो सबसे पहले आई वॉन्ट टू एड्रेस दैम एंड आई वॉन्ट टू थैंक दैम. आई वुड लाइक टू एक्सल यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ऑफ जे एंड के ऑनरेबल एल जी साहब, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं. एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल ऑफ दैम दैट दे टाइमली इंटरवीन इन दिस मैटर एंड फिलहाल उन्होंने जो है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को उन्होंने फिलहाल रोका ताकि इसमें एक प्रॉपर पॉलिसी बने. सोशियो इकोनॉमिक यू नो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ने कभी ये नहीं बोला कि आप लैंड माफिया का साथ दें. हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि अगर आपने कोई पॉलिसी के तहत कोई चीज़ करनी है तो वो एज पर लॉ होना चाहिए, इन कॉन्सोनेंस विद लॉ होना चाहिए. भले ही द बिग शार्क्स शुड नॉट बी स्पेयर्ड. मैं आज आपके चैनल के वसादत से सारी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी बिग शार्क्स को मत छेड़िए. बट हमने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई है, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आवाज़ उठाई है और हमारी इस बात पर गौर करके एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये स्टांस रहा है, जो कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का स्टांस रहा है, ऑनरेबल एलजी साहब का स्टांस रहा है, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब का स्टांस रहा है इसमें, तो वो वाकई काबिल तारीफ़ है. एंड मैं आपकी वसादत से ये भी कहना चाहता हूँ दैट वी आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड आज मीडिया ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि मीडिया इज़ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. आप लोगों की वसादत से एलजी साहब तक, होम मिनिस्टर साहब तक किस तरीके से लोगों की बातें पहुँची, किस तरीके से लोगों का दर्द पहुँचा, आप लोगों ने ये साबित किया. इसका एक ग्रैंड सल्यूट पूरी मीडिया को जाता है, जम्मू कश्मीर की मीडिया को जाता है, पूरे नेशन की मीडिया को जाता है, जिन्होंने आम इंसान की आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा दी. एंड मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे बस में है अगर हम वो भी नहीं करते तो हम कहां से ये उम्मीद रख सकते हैं कि दुनिया में कोई भी बदलाव आ सकता है जब हम खुद हमारे फ़र्ज को अच्छे से अंजाम नहीं देते. तो फर्दर मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ आपकी मीडिया की वसादत से कि ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो अभी जम्मू कश्मीर में चली है और जो अब माननीय होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी ने भी इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया है कि इस पर्टिकुलर ड्राइव को हम जो है एज़ पर प्रॉपर पॉलिसी चलाएंगे, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लेकर चलाएंगे और जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनका ख्याल रखेंगे और उस पर हम प्रॉपर पॉलिसी ले आएंगे और उसके बेस पर हम इस जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की कार्रवाई जो है इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे. तो मगर इसमें एक बहुत ही बड़ा सवाल जो अभी है वो ये है कि जो अभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई इसमें बहुत सारे जो मजलूम लोग हैं, बहुत सारे गरीब हैं और बहुत सारे कुछ ऐसे भी केसेस हमें मीडिया की तरफ से देखने को मिले जहां पर ये चीज़ देखने को मिली कि जिन लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन लोगों को भी सताया गया. तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसकी एक प्रॉपर जांच की जाए कि कौन सा ब्यूरोक्रेट, कौन सा अफसर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें बहुत सारे अच्छे अफसर भी थे जिन्होंने टाइमली अपना काम किया और इसमें कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. इस तरीके की चीज़ें अमल में लाई गई थी जिसकी वजह से ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है ये सब अटैच हो रही थी. तो आपकी वसादत से बोलना चाहता हूँ और जिनके ऑफिसेज के दरवाजे सिर्फ फायर स्टेटस के लोगों के लिए खुले होते हैं, मैं उन सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जुडिशरी पे, यहाँ की मीडिया पे, यहाँ की सरकार पे आज भी लोगों को भरोसा है. तो आप संभल जाइए, नहीं वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप जैसे लोगों को हम कानून की मदद से, कानून के हाथ से आपको छुपने के लिए धरती भी कम पड़ जानी है. मैं आप सबकी मीडिया की वसादत से उनको ये भी बोल दूं कि आप संभल जाइए, आप जो काम कर रहे हैं डू इट इन कॉन्सोनेंस विद लॉ.
आप कानून के तहत काम करिए, हम आपके साथ हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से